राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों एवं आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की, जिसमें एडीजी, आईजी, डीआईजी और सभी पुलिस कप्तान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान सीएम योगी ने आगामी त्योहारों को लेकर संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में देरी भारी पड़ेगी, मिथ्या रिपोर्ट लगाई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी तहसीलों की, मंडलायुक्त जिलों की व्यवस्था की समीक्षा करें, आम आदमी के आवेदन लंबित क्यों, तय जवाबदाही करें, शासन स्तर पर हर दिन हर जिले की समीक्षा हो और अधिकारी की गतिविधि की सीधी निगरानी हो। सीएम योगी ने कहा कि माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं। लव जिहाद, ईव टीजिंग और चैन स्नैचिंग हुई तो बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक जवाबदेही तय होगी। वहीं हर्षोल्लास के साथ पर्व त्यौहार मनाए जाएं, आमजन की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिए कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पुलिस कठोरता से निपटे, अवैध बस टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्टैंड चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, प्रभारी मंत्रियों के साथ संवाद समन्वय बनाए रखें और जिले की प्रगति से मंत्रियों को अपडेट। तो वहीं आगे उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दें, घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी रखें, राहत सामग्री की क्वालिटी व क्वांटिटी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।